इमरान खान के शौकत खानम और आपके सुगरा शफ़ी हस्पताल दोनों के फंड्स इकट्ठे करने में कई दफ़ा मफादाती कशमकश तो हो जाती होगी। गुलूकारों और गाने वालों के आपस में इख्तलाफात हो जाते हैं। जवाद अहमद भी पढ़े लिखे, आप भी पढ़े लिखे, किस बात पर इख्तलाफ हो? मेरा तो कोई इख्तलाफ नहीं है उनसे, मुझे तो बड़ा पसंद है वो शक्ल भी अच्छी है, बोलता भी अब्रॉड क्या है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। गुलूकारी की आमदनी तो हवाई होती है, तो फिर किस तरह से अपना बजट बनाते हैं? आपने सही फरमाया, गुलूकारी जो है बड़ा हवाई सा रिस्क है, लेकिन ये हवाई रिस्क आज भी जारी है। यानी पूरी दुनिया में मैं कॉन्सर्ट्स करके आ जाता हूँ, और अगर कभी कॉन्सर्ट्स ना आएँ कोई और प्रोग्राम आ जाता है, और मुझे एक प्लॉट की ऑफ़र आ जाती है कि ये बहुत महंगा हो गया, ये बेच के मैं दूसरी जगह पर ले लेता हूँ। सो ये थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का भी सिलसिला चलता। किचन का माहाना खर्च कितना हो जाता है? मेरे ख्याल में 1 लाख 1.5 लाख हो जाता हो। अगर मैं अपनी ट्रैवलिंग डालूंगा तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ट्रैवलिंग से फिर हम कमाते भी हैं ना। नॉर्वे गए कॉन्सर्ट करने तो वापस आ गए, तो ये सारा ज़ारा बीच में से कई दफ़ा टिकट स्पॉन्सर्ड होते हैं, लेकिन मुझे फ्रीक्वेंटली जो खुद भी ट्रैवल करना पड़ता है, तो पेट्रोल का भी मेरे अखराजात काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अरेंज शादी करके बहुत सारों के दिल दुखाए, उन्होंने इजहार अफसोस तो किया होगा, लड़ाइयाँ तो की होंगी। इतनी बात ज़रूर है कि मैरिज से पहले टेलीफोन्स की तादाद, कॉल्स की और खतूत और बर्थडे पे प्रेजेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे। और मुझे याद है जब ये वैलेंटाइंस डे होता था तो बड़े फ़ोन्स आने, और जब शादी हो गई तो उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में भी आ गया, तो वैलेंटाइंस वाले डे फ़ोन आया एक दोस्त का, ए हेलो अस्सलाम वालेकुम ਵਰਾਰ ਭਾਈ मैं नज़ीर भट्टी बोल रहा नारोवाल तो, मैं 7 यूनियन काउंसलां फिर लईयां ने, तो बाकी तुसीं आके फिर लो, तो नाले मैं कहना सी हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू ऑल। पहला इश्क तो स्कूल प्रिंसिपल से ही कर लिया था, बाकी ज़िंदगी में भी यही आशिकाना मिजाज जारी रहा होगा। उसको इश्क तो नहीं कह सकते, क्रश कह सकते हैं। आजकल तो ये नई नई टर्म्स बड़ी निकल आई हैं जी, फ्लिंग है जी, गोइंग आउट विद समवन है, लाइकिंग समवन है, फ्लर्टिंग विद समवन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो प्यार होता है इंसान को वो तो सच्चा होता है, और सच पूछे तो मुझे तो अपनी शादी के बाद अपनी बेगम से हुआ है। इमरान खान के करीबी साथी हैं, PTI को हुकूमत मिली तो क्या उदा लेंगे? हेल्थ की फील्ड में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, एजुकेशन की फील्ड में बड़ा इंटरेस्ट है मेरा, मेरे तो बेशुमार फील्ड्स में इंटरेस्ट हैं। लेकिन उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उहदे के अलावा हमने पहले थोड़ा काम किया है। अब मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मैं सहारा को इतने अगले लेवल पर ले जाऊं कि पाकिस्तान की जो रूरल आबादी है उसमें हम फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ दे सकें, और ये मुमकिन है मैं समझता हूँ। तो जब हुकूमत में आएंगे तो हुकूमत वो काम बहुत जल्दी कर सकती है। मैं अपनी तजावीज़ दूंगा ज़रूर, अगर राह रास्त मौका ना मिला तो। Seem to know I love you, baby. I can love you more than anybody else. I mean it. Oh, I can love you more than anybody else. I mean it. Yani ke sanu tere naal pyar ho gaya, sada dil beqarar ho gaya. अपने अलावा कौन सा गुलूकार पसंद है? नुसरत फ़तेह अली खान साहब मेरे आइडियल हैं। आप सुनते हैं तन्हाई में उनको? बड़ा सुना है, आजकल तो म्यूज़िक सुन ही नहीं रहा। आजकल अंदर ही इतना कुछ म्यूज़िक चल रहा है, शोर शराबा चल रहा है जहन में, कि म्यूज़िक को ऐड करूँगा तो लगेगा कि सब कुछ जंबल हो गया है अंदर। क्या म्यूज़िक उस वक्त सुनते हैं जब बिल्कुल सुकून में हो? जी हाँ, मेरी आदत यह है कि म्यूज़िक को मैं रिलैक्स होके जब सुनता था तो उससे फिर इंस्पायर होता था, फिर नया म्यूज़िक बनता था। और एज अ चाइल्ड भी मैं बड़ा म्यूज़िकल चाइल्ड था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ थोड़ा तो मुझे इतना याद है कि कोई सैड सॉन्ग लगता था तो मैं सुन के आंसू बहाता था उसमें। हालांकि मुझे कुछ समझ नहीं आता था क्या गा रहा है, क्या वर्ड्स हैं। मेरा स्टार भी कैंसेरियन है। कहते हैं कैंसर पाकिस्तान में बड़े लकी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर अपने आप को देखूँ तो मैं जितना शुक्र अल्लाह का अदा करूँ वो कम है। मैं तो बहुत लकी हूँ। इमरान खान के शौकत खानम और आपके सुगरा शफ़ी हस्पताल दोनों के फंड्स इकट्ठे करने में कई दफ़ा मफादाती कशमकश तो हो जाती होगी। मेरा अल्लाह पे बड़ा पक्का ईमान है कि अल्लाह ने जिसको जितना देना है उसको उतना मिल जाए और जिसको जितनी ज़रूरत होगी उतना मिल जाएगा। गुलूकारों और गाने वालों के आपस में इख्तलाफात हो जाते हैं। जवाद अहमद भी पढ़े लिखे, आप भी पढ़े लिखे, किस बात पर इख्तलाफ हो? मेरा तो कोई इख्तलाफ नहीं है उनसे। मुझे तो बड़ा पसंद है वो शक्ल भी अच्छी है, बोलता भी अब्रॉड क्या वाला है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो ये होता है बस का थोड़ा बहुत हो जाता है प्रोफेशनल जेलसी कि यार वहाँ तक वो पहुँच गया, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सका और क्यों नहीं हो, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं। ये इंसान के बस में, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन मैं समझता हूँ कि जवाद भी मुझे यकीनन दिल के अंदर अंदर से बड़ा प्यार करता होगा, मुझे लगता है, क्योंकि वो वही करने की कोशिश करता है जो मैंने किया, जो कि अच्छी बात। तो मिलके कोई गाना गा लें आप। मैंने उसको आइडिया था तो मिलके गाना गाते हैं। मैंने उसे एक दफ़ा कहा, मैं कहा तेरी मेरी दुश्मनी बड़ी फेमस है, तो मिलके गाना गाते हैं, बड़ा हिट होगा। वो नहीं यार जा यार जा, तू पता नहीं क्या करता। गुलूकार पर एक वक्त ऐसा भी आता है जब ऐसे लगता है कि उसके अंदर का फनकार सो चुका है या लंबी नींद ले रहा है। आपके भी बड़े अरसे से कोई बहुत शाहकार गाना नहीं आया, क्या आप भी ऐसी सूरत हाल का शिकार हैं? ना सिर्फ कि सो चुका है, अंदर से बड़े बड़े खराटों की आवाज़ें भी आ रही हैं। जब म्यूज़िक के नतीजे में मिलने वाली शोहरत से प्यार कर बैठते हैं तो फिर म्यूज़िक आपसे रूठ जाता है और आपको शोहरत भी नहीं मिलती। हम उसके एंड रिज़ल्ट को देखने लग जाते हैं, म्यूज़िक को भूल जाते हैं। किसी एक स्टेज पर जाके शायद उस स्टेज से मैं भी गुजर रहा हूँगा, लेकिन मेरे केस में तो देखें, मैंने आई हैव बीन देयर डन दैट वो वाला सीन है कि म्यूज़िक किया, जी भर के किया। जितनी एल्बम्स मैंने बेची हैं वो शायद कम लोगों ने, 2-3 लाख के ऑडियंस भी देख लिया है, म्यूज़िक से पैसे भी कमा लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा कुछ कर लिया। फिर उसके बाद हॉस्पिटल का शौक़ था बनाने का, अल्लाह ने वो, फिर मेडिकल कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह, अब यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, फिर उसके बाद अभी पॉलिटिक्स। तो मेरे तो एम्स डिफरेंट थे, लेकिन मैं जनरली ये बात कर रहा हूँ कि जब कोई म्यूज़िक कर लेता है बहुत ज़्यादा तो फिर एक टाइम आता है कि वो म्यूज़िक से प्यार कम और म्यूज़िक के नतीजे में मिलने वाली शोहरत से ज़्यादा प्यार कर बैठता है, उसको टारगेट बना लेता है, वहीं वो म्यूज़िक जो है वो डाउन हो जाता है। अंता हबीबी मक्खन मलाई बिलो दी लंदन तो ईमेल आई व्हाट्सएप ते ओने फोटो चढ़ाई अरसे दे बाद ओने सूरत बकाई पैगी दुहाई जाने जाना ओ बिलो अज भी कुमारी ओदी आंख भी जे पारी जिदो टकरे ना ओदे साडा दिल कटदा ओए ओने जून जोगा छड्डे आनी पुत जट दा बिलो जून जोगा छड्डे आनी पुत जट दा ओ 1996 से लेके 2015 तक पूछते थे सब कहाँ है बिलो, किधर से आई, किधर गई, और डूबी किधर गई, जूंदी के मर गई। मैंने बोला भाई साहब पहले सी पाकीज़ा और पहले सी ताबिंदा है, आज भी बिल्लो जिंदा है, आज भी बिल्लो जिंदा है।